हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी वर्क। फ्रेंड्स, आगामी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको अपना कोई सिविल केस है जिसका आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस स्पेशल लोक अदालत में आप भाग ले सकते हैं और अपने केसेस का सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लोक अदालत में केसेस सेटलमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी कोई अपील नहीं होती है। मान लीजिए कि आपने आप नॉर्मल आपका कोर्ट में केस चल रहा है और आपका फैसला हो जाता है और फैसला आपके पक्ष में आ जाता है तो अपोजिट पार्टी वहां पे अपील में जा सकती है। लेकिन अगर आपका कोई लोक अदालत में सेटलमेंट होता है तो लोक अदालत को कहीं भी आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता, यह एक अंतिम फैसला माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लॉ के जो प्रोसीजर हैं उन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता है, यानी जो लॉ में आपका पहले प्लीडिंग होगा, फिर एविडेंस होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, ये कोई भी स्टेज नहीं फॉलो किया जाता है। जो भी लोक अदालत में डिसीजन हो जाता है वहाँ पे उसको अंतिम माना जाएगा और बीच के जो भी प्रोसीजर रहें ये वो सारे के सारे हटा दिए जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कोई भी कोर्ट फीस यहाँ पे नहीं पे करनी होती है और अगर आपने कोई कोर्ट फीस पे किया हुआ है तो कोर्ट फीस भी आपको यहाँ पे वापस मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस लोक अदालत में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो मैं भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करूँगा जहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने केस का सेटलमेंट इस लोक अदालत में आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आगे डिटेल में चर्चा करें, एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने क्या कहा है इस लोक अदालत के बारे में, एक बार उसको देख लेते हैं। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से, कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब लोगों से, लिटिगेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ एडवोकेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने केसेस को लोक अदालत में ले आएं और लोक अदालत में सेटलमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसको आप लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं, अगर दोनों पक्ष उसके लिए तैयार हैं तो बिल्कुल भी आप अपना केस को लोक अदालत में सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको मैं कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने वकील साहब के जरिए आप अपने केस को लोक अदालत में रजिस्टर करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका सेटलमेंट नहीं होगा। कोई अन्य प्रकार के कोई चलान है, जैसे कोई ट्रैफिक चलान या कोई और चीज़ों का चलान है, उनका इस स्पेशल लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं होगा। जो भी कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस का यहाँ पे निपटारा किया जाएगा। तो अगर आपका कोई केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो बिल्कुल आप इस लोक अदालत में भाग ले सकते हैं। बाकी अगर आपका फर्दर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर आपका मैटर पेंडिंग है तो उसके लिए जैसे ही लोक अदालत का नोटिफिकेशन आएगा मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा कि आगामी नेक्स्ट लोक अदालत कब लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आगे फर्दर लोक अदालत के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।